एक बैग लोग बैग लेके पार हो रहे हैं, तो जब टारगेट कर कर के मारा जा रहा है, अब हम लोग का जीना दुर्लभ हो गया है। पटना के पूरे तो पटना में हजारों अभ्यर्थी अभी तो इतने यहाँ इकट्ठे हैं, बाकी लोग पटना के सर डीएम साहब नमस्कार। अरे ये शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ गर्दनी बाग में, इन लोगों का कोई परमिशन ले नहीं रहा, इन लोगों को धरने के लिए कोई रिसीव नहीं कर रहा है, वहाँ तो राइट है ना इन लोगों को धरने के लिए। अच्छा, विभाग से नहीं कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है? नहीं नहीं विभाग से नहीं, यहाँ तो आप लोगों के जो अधिकारी होते हैं इंटीमेट करना पड़ता है ना धरने के लिए प्रदर्शन के लिए। आप क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदला होगा कि हर दिन का परमिशन मिलेगा, अनिश्चितकाल नहीं मिलेगा? अच्छा तो हम चेक करा लेते हैं ये लोग कब का चल रहा है। नहीं नहीं आप यहाँ सब अभ्यर्थी लाठी चार्ज हुआ होगा, आपको जानकारी में होगा ही, अभी भी लाठी चार्ज वहाँ चल ही रहा है, कल रात में भी लाठी चार्ज हुआ गर्दनी बाग स्टेडियम में, सब लोग था खाने पीने का इन लोगों का जो सामान था उठा करके फेंक दिया गया, अभी सब लोग इको पार्क में कुछ लोग आए हैं कुछ लोग इधर उधर हैं, तो इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ये लोग चाहते हैं बैठ करके कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। तो इसमें हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनका एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए, हम लोग तो यही खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा हम देख लेते हैं, भेजिए हम भी कॉल लेते हैं। नहीं नहीं कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना पहले, कब तक होते अभी हिसाब लीजिएगा हमसे, हम आपको हम भेज देते हैं। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? हम लोग ना 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 हम आपको व्हाट्सअप हम भिजवा देते हैं। नहीं नहीं ठीक, नहीं नहीं हम लोग हैं इको पार्क में ही सब लोग, जल्दी नहीं तो ये लोग फिर इधर यहीं बैठना पड़ जाएगा हमको।